बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल पिछले कई समय से बड़े पर्दे से दूर नजर आ रही हैं। अमीषा पटेल की भले ही कई समय से कोई फिल्म रिलीज ना हुई हो, लेकिन अमीषा सोशल मीडिया के जरिए लोगों से टच में जरूर बनी रहती हैं। अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने एक से बढ़कर एक लुक्स लोगों के साथ शेयर करती हैं। अमीषा पटेल दोबारा से सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन इस बार वो अपने किसी फोटोशूट को लेकर नहीं बल्कि एक केस को लेकर चर्चा में आ गई है। अपने हॉट और बोल्ड अंदाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली अमीषा इन दिनों मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की ACJM 5 कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया है। इस मामले में 20 अगस्त को अमीषा को ACJM 5 कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए पेश भी होना है। दरअसल पूरा मामला क्या है, अब ये आपको बता देते हैं। अमीषा पटेल को 16 नवंबर 2017 को मुरादाबाद में शादी के कार्यक्रम में डांस करने के लिए आना था। इसके लिए अमीषा ने 11 लाख रुपए एडवांस भी लिए, लेकिन 11 लाख रुपए लेने के बाद अमीषा ने वो डांस कार्यक्रम रद्द कर दिया। अमीषा पटेल पर आरोप है कि उन्होंने 11 लाख रुपए लेने के बाद डांस कार्यक्रम को रद्द किया और पैसे भी वापस नहीं लौटाए। मुरादाबाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। अमीषा पटेल पर इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि उन्होंने अमीषा पटेल को एडवांस पैसे देने के साथ साथ मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई आने जाने का और दिल्ली में एक महंगे होटल में एक्ट्रेस के रहने का खर्चा उठाया था और आखिरी वक्त में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने डांस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। वारंट जारी होने के बाद अब इस मामले में एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।